कभी 14 लाख का इनामी नक्सली रहा दिवाकर आज मुख्य धारा से जुड़ चुका है और इतना ही नहीं उसने पुलिस के सहयोग से 10वीं पास भी कर अपना रास्ते सही दिशा में लेकर आ गया है। कबीरधाम में दिवाकर से प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज वीडियो कॉल से बात की और उसकी इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी। साथ ही उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए दिवाकर का हौसला भी बढ़ाया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जो भी भाई बहन रास्ता भटक कर नक्सली गतिविधियों से जुड़े हैं वे लोन वर्राटू के तहत दिवाकर से प्रेरणा लें और मुख्यधारा में लौट कर अपने जीवन में सुखद परिवर्तन लाएं। हमारा सरकार और हमारी पुलिस इस तरह से सभी सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं जा रहा था रेंगा घाट तरफ तो बीच में मुलाकात हुई थी इनसे। हाँ, तो कहीं जा रहे थे काम से। यार भाई मैं बिल्कुल ये आग्रह करता हूँ आपसे भी कि आप इस दिशा में आगे बढ़ें, जो भी होगा विषय बताएं और सारे और साथी जो थोड़ा मार्ग भटके हैं उनसे भी विनम्र अपील है कि आपसे प्रेरणा लें, मेरी बहन से प्रेरणा लें और आगे बढ़ करके सभ्य समाज में और बैलेट के ताकत पर आगे बढ़ें। बुलेट का ताकत छोड़ना चाहिए, ये समाज वैसा नहीं है अब। बहुत अच्छा भैया दिवाकर भैया, फिर आता हूँ, फिर मुलाकात होती है। आप रायपुर तरफ आओ तो मुलाकात करना यार। ठीक ठीक एसपी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे मीडिया के साथी हैं उनका भी हृदय से आभार। ठीक बहनी आओ तो खाना खावा भी। हाँ भाजी रांधवे दीदी, भाजी रांधवे वो। ठीक जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार।